योगिनी एकादशी की जो कथा सुनता है, श्रवण करता है और दूसरों को सुनाता है, दूसरों तक भेजता है, उसकी स्वर्ग प्राप्ति पक्की होती है। तो ये आइए ये कथा भी सुन लेते हैं 2 मिनट की। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म सुना, अब कृपा कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका क्या महत्व है, क्या महत्व है, और यह भी बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इससे इसके व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव का भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजा के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प ले आया लेने गया, लेकिन काम काम के आसक्त होकर उसने अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने लग गया। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के जहाँ आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर फूल लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेमवाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तुमने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी रहेगा। कुबेर के श्राप से हेमवाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत घोर हो गया। उसकी स्त्री भी उस समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेमामाली वहां जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ी। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके प्रभाव से ये हालत हो गई? हेमामाली ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तुमने मेरे समूह सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का अमिति पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेमामाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेमामाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। और जो ये कथा कहता है और दूसरों को सुनाता है और खुद सुनता है, उसका भी कल्याण निश्चित है। तो आगे फॉरवर्ड करना न भूलिए, अपना भी भला करिए औरों का भी भला करिए। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।